सही आ रहा है, बट उसका विजिबिलिटी कितना कम है आप लोग ऐसे जज कर सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा फॉग है ना कि, तो वो भीमा शंकर से ज़्यादा फॉग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हेलो हाय नमस्कार, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं शिवासी और आप देख रहे हैं डोप रैडर यूट्यूब चैनल। सो वीडियो पे नए हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थंबनेल से तो पता चल ही गया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं एक्चुअली। सो एज पर द प्लान मैं आज ट्रेन पे बैठने वाला था, मतलब ओडिशा जाने वाला था आज, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे टिकट नहीं मिला। मैं बोला कि जब रुके ही है और संडे है तो मेरे पास, तो मैं सोचा कि चलो एक छोटा सा ट्रिप मार लेते हैं। और मेरा जो छोटा सा ट्रिप है वो है सोलो ट्रिप, एंड जो लोकेशन है वो मार्सेज घाट है। मतलब मार्सेज घाट जाना मुझे बहुत ही एक मतलब वन टाइप ऑफ ड्रीम था। मैं एक बार समर में गया था तो उस टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं बनाया था, तो इस बार मतलब मुझे जाने का मन था, बट फ्रेंड्स लोग ऑलरेडी जा चुके थे सब, और मेरे जो पीएमसी ग्रुप है वो भी ऑलरेडी जा चुका था, और उनका आज एक छोटा सा मीटअप है। सो फिर उसके बाद मैं सोचा कि चलो कम से कम मैं एक सोलो ट्रिप ही मार लेता हूँ। एंड आफ्टर दैट सोलो ट्रिप पे मैं इसलिए प्रीफर किया क्योंकि मुझे जहाँ पे रुकने का मन करेगा मैं रुक जाऊँगा, जहाँ पे मुझे फोटो लेने का मन करेगा मैं फोटो ले लूँगा। सब मैं सोचा लास्ट ट्रिप है तो चलो अकेले चलो, खुद का कंपनी अकेले का कंपनी ज्वाइन करो, मस्त एंजॉय करो। सो बारिश तो सुबह से ही हो रहा है एज यूजल खांडी की तरफ, मतलब खांडी की तरह। सो चलिए फिर आगे मिलते हैं आप लोगों के साथ। मतलब बारिश तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, बट अभी रात में ही बारिश हो चुकी है तो रोड पे ऑलरेडी कीचड़ बना हुआ है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा सीन है कि मतलब जब भी गाड़ी जा रहा है ना वो पूरा कीचड़ पूरा ऊपर ही आ रहा है, बॉडी पे ही आ रहा है, और कैमरा तो पता नहीं कैसे क्लैरिटी कैसा होगा, बट जो मेरा वाइजर है ना पूरा मतलब कीचड़ से भर जा रहा है, और उसको हर बार क्लीन करना हो रहा है, और हाथ ही पूरा कीचड़ से भर चुका है। बट नो इशू, अभी भी थोड़ा बहुत तो फॉग दिखना चालू हो चुका है, आसमान में तो बादल पूरा भरे पड़े हैं। आई थिंक ये खांडी वाटरफॉल्स जैसा ही पूरा देखने के लिए मिलेगा। सो फाइनली ये वही लोकेशन है जहाँ पे मतलब वन टाइप ऑफ ये फेमस पॉइंट है, जैसे कि मतलब पिछले बार में जो समर में आया था वो यहीं पे हम लोग रुके थे फ़ोटो वोटो लेने के लिए, बट वो अनफॉर्चुनेटली फ़ोटो सब डिलीट ही हो गया लेने के बाद। और उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं करता था, नहीं करता था, बट आई थिंक उस वक्त कुछ तो मुझे इशू हुआ था जो मैं ब्लॉग नहीं मतलब ब्लॉग जो है नहीं किया था। तो देखेंगे, आई थिंक अगर कुछ जगह मिला तो रुकेंगे, और अदरवाइज हम आते हुए तो डेफिनेटली रुकेंगे यहाँ पे। सो अभी हम लोग एक्चुअली यहाँ पे होटल ब्लू वाटर रिसोर्ट पे रुके हैं खाना खाने के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए, खाना खाने तो नहीं। मतलब मुझे पता था कि यहाँ पे नज़ारा ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं आया था तो ये होटल का काम चालू था, बट उस टाइम पे मुझे इतना अच्छा लगा था तो मैं सोचा यार एक बार तो रुकेंगे, मतलब मानसून में आएंगे तो ज़रूर खाना खाएंगे यहाँ पे। और ये बाइक मेरा इधर पार्क किया है, एंड पीछे का मतलब नज़ारा ना कभी पूरा फॉग से भर जा रहा है, कभी पूरा फॉग खाली हो जा रहा है, और बैक साइड का तो व्यू और ही मतलब नज़ारा और भी अच्छा है, क्या बोलूँ मैं उसका। तो यहाँ पे देखिए पीछे से पूरा फॉग भी आना चालू हो गया है, तो चलिए मैं भी इनसाइड वाला एक व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। Thank you.
इतना ज्यादा फॉग, मतलब विजिबिलिटी पूरा आया मैं, मतलब इतना ज्यादा फॉग है ना, मतलब यहाँ पे इतना डीप था। मैं समर टाइम पे जो आया था, मैं भी शायद मुझे वीडियो मिल जाएगा अगर आया ना, मैं आपको एक बार दिखा दूंगा कि कितना ज्यादा उस टाइम पे क्लियरिटी कितना था, अभी कितना मतलब विजिबल कम हो गया है। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया है, मतलब मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ और यहाँ से मतलब पूरा फॉग तो भर चुका था, अभी बारिश चालू तो फॉग हट गया है। सो मैंने अपना आईफोन जो है बैग में डाल दिया है और अभी मैं गोप्रो से वीडियो निकालूंगा और यहाँ से मार्केट घाट आई थिंक अराउंड 5 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ से मार्केट घाट जाएंगे। फिर आफ्टर दैट इफ़ पॉसिबल अगर कालू वाटरफॉल सेफ रहा तो हम कालू वाटरफॉल तक भी जाएंगे। सो चलो, फाइनली मार्सेल घाट जो वाटरफॉल है यहाँ, वाटरफॉल नहीं आई मीन वो जो घाट सेक्शन है यहाँ से चालू होता है और तो यहाँ से जो है थोड़ा रास्ता ख़राब आता है। मैंने जहाँ तक देखा है, मतलब बाकी लोगों के वीडियो को जो रेफरेंस में लिया था, वो सब भी बोले थे थोड़ी देर के लिए रोड जो है थोड़ा इस टाइप का ही आता है, मतलब ऑफ रोडिंग टाइप का। बट जो नज़ारा है ना, क्या लग रहा है यार, मस्त। तो आगे तो और भी देखने के लिए मजा आएगा, मुझे इतना तो पता है, इतना तो मैं श्योर हूँ। चलिए फिर आगे भी मिलेंगे ऐसे ही कुछ नया नया सीनरी के साथ। तो सामने से गाड़ी आ रहा है बट उसका विजिबिलिटी कितना कम है आप लोग को यहीं से जज कर सकते हैं, मतलब इतना ज्यादा फॉग है ना, ये तो वो भीमा शंकर से ज्यादा फॉग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ना, ओके okay।
डबल छपरी लोग भरे पड़े यहाँ पे। मतलब इतना जोर से हवा है ना, मैं मतलब धक्का मार रहा था अपने पीछे। मुझे लगा कि फाइनली अभी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं पुणे की तरफ, और अभी हम लोग नारायण गाँव पहुँच चुके हैं, और नारायण गाँव से पुणे जो है अराउंड 80 किलोमीटर के आसपास आएगा। तो आज का ट्रिप जो था बहुत ही मज़ा आया, इतने मैंने तो बहुत ही एंजॉय किया। आई नो थोड़ा बहुत रिस्की था, बट इतना ज़्यादा भी रिस्की नहीं था कि पूरा अपने जान जोखिम में डाल दे। लोगों ने जैसे ही बोला कि हमें पानी आ रहा था, हमने सिंपली रिटर्न कर लिया। तो मैं आपको बोल रहा कि वीकडेज पे थोड़ा आने का ट्राई कीजिए, वीकेंड पे तो मत ही आइए, फिर आ रहे हैं ना थोड़ा जल्दी आइए, जैसे कि हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँचे। मतलब लगभग हमने मार्सेल घाट अराउंड हम लोग 8 बजे के आसपास पहुँच गए थे, तो हमें बहुत ही मज़ा, मतलब लगभग बोल सकते खाली ही था, तो बहुत ही एंजॉय कर लिया। तो अभी वक्त हो चुका है रिटर्न करने के लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा डेफिनेटली। तो आज के सफ़र में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट जगह मतलब नए वीडियो पे नए जगह पे मिलने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच।